Hello everyone, this is series number 3, as I mentioned earlier. So here in this series we will discuss about the waist circumferences, in which हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि क्या हमारा जो waist line है वो normal है या नहीं है. Basically most of the time जब हम patient से deal कर रहे होते हैं या फिर किसी normal person को ही देख लें, उनके पास ये एब्डोमिनल एरियाज के फैट्स होने मस्ट है ना. तो ये जो सेंट्रल ओबेसिटी कहलाता है उसी को कहते हैं हम लोग, यानी आपके एब्डोमिन एरियाज के अराउंड आपका फैट है, और यही जो फैट है फर्दर आपको लीड करता है डायबिटीज में. तो क्यों ना हम उस फैट के बारे में भी जानें कि क्यों ये हो रहा है, एंड फर्दर उसके लिए हम तो आज बात कर रहे हैं कि क्या सेफ जोन है या नहीं है हमारे लिए, पहले उसको डिटेक्ट कर लें, एंड देर आफ्टर मैं आपको उसके लिए भी टिप्स बताऊंगी. तो यहाँ पे जो है आपका वेस्ट लाइन फॉर द मेल आपका होना चाहिए 35 इंचेस, जो कि हमारा इन सेंटीमीटर जब हम लोग देखेंगे तो वो हमारा 90 सेंटीमीटर्स होगा, ठीक है. एंड फॉर द फीमेल जो हमारा वेस्ट लाइन होगा इंचेस, वो आपका 32 इंचेस होनी चाहिए, और जब हम लोग उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा अराउंड 81 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर्स लमसम पड़ेंगे. सो आई रिपीट इट, फॉर मेल 35 इंचेस, फॉर फीमेल 32 इंचेस. अगर ये वेस्ट लाइन इससे आपका ज़्यादा है तो दैट यू आर नॉट इन सेफ जोन, तो ये आपको पता करना है. एंड इसी के साथ हम लोग, जैसा मैंने बताया कि कुछ टिप्स भी बता दूँ कि वाई दिस हैपन. तो यहाँ पे एब्डोमिनल ओबेसिटी का कारण जो है ना, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जब खाते हैं तो खा के लंबा सिटिंग रहते हैं, है ना. मॉर्निंग का एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लिया, फिर लगता है अरे नहीं ठीक है मॉर्निंग को किया ही हमने, तो खा के लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप खा के लंबा सिटिंग है तो आपका ये एब्डोमिनल ओबेसिटी डेवलप कर सकता है, या फिर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दिन भर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में भी हो सकता है. या फिर आप कुछ हैवी इंटेक करते हैं, आपकी डाइट में फैट का इंटेक ज़्यादा है, कार्ब ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत लेस है, फाइबर लेस है, तो वो भी आपका लीड कर सकता है एब्डोमिनल ओबेसिटी, है ना. तो इसके लिए आपको ये है ओवरऑल LMNDM, दैट इज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन. अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं तो वो आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी से राहत पाया जा सकता है, एंड इसके साथ साथ आप डायबिटीज से भी राहत पा सकते हैं. एंड फॉर दिस थिंग्स आपको एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से कंसल्ट करने की आवश्यकता है, सो यू कैन कंसल्ट देम. सो एक चीज़ और जान लेते हैं हम लोग कि आपका जो वेस्ट है शुड बी ऑलवेज हाफ ऑफ योर हाइट. सपोज किन्हीं का हाइट 5'10" है, एंड उसे जब हम लोग इंच में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका 70 इंचेस निकल के आएगा. जब हम उसको हाफ कर लेते हैं दैट विल बी योर 35 इंचेस, है ना. 35 इंचेस शुड बी योर वेस्ट, दैट मीन्स योर वेस्ट शुड बी हाफ ऑफ योर हाइट, ओके. एंड आई होप कि ये सारी सीरीज काफ़ी यूजफुल होंगी आपके लिए. इफ इट इज़ देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद ऑल योर कंटेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.